प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कुछ भी कुछ भी। एक उनका बयान आया कि किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं, तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगे मुझे मालूम नहीं, एक पल हमारे मन में आया, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है, क्या हम रडार से बच सकते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी।